दो लोगों की गला रेत कर हत्या जांच में जुटी पुलिस। यूज को सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन जरूर दबाए। छपरा जिले की बनियापुर थाना क्षेत्र के मजौलिया पुल के समीप दिन दहाड़े दो युवकों की गला रेत कर बेरहमी से हत्या कर दिया गया है, जिसको लेकर ग्रामीणों में भय व्याप्त है। मृतक की पहचान बनियापुर थाना क्षेत्र के मंजरिया गांव निवासी दिलीप प्रसाद एवं हरिहरपुर गांव निवासी अलाउद्दीन के पुत्र मोहम्मद निजामुद्दीन के रूप में की गई है। आपको बता दें कि इन दोनों की पुचड़ी बाजार दुकान है। दिलीप प्रसाद बाजार पर होटल चलाते हैं तथा निजामुद्दीन का छाता मरम्मती का दुकान है। बता दें कि उत्तर रास्ते से कुछ लोग गुजर रहे थे, तभी खून से लथपथ दो शव पड़ा मिला। शव देखते ही लोग चीखने चिल्लाने लगे। शोर सुनकर आसपास के लोग वहां पर पहुंचे तो देखे कि दो लोगों की हत्या कर दी गई है। शव के पास एक साइकिल भी पड़ा मिला है। स्थानीय लोगों ने आनंद फानन में इसकी सूचना बनियापुर पुलिस को दी। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। घटनास्थल पर पहुंचकर पुलिस ने शव को अपने कब्जे में ले लिया। स्थानीय लोगों के द्वारा ही इसकी सूचना उक्त लोगों के परिजनों को दे दी गई है। पुलिस फिलहाल मामले की जांच में जुट गई है। आपको बता दें कि कुछ ही दिन पहले यहां वार्ड सदस्य की भी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को।